अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स और मेरे बहन भाई, मेरी अंकल आंटियाँ सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरी सुबह का आगाज़ हो चुका है और खुश आमदेद आप सबको अपने चैनल पे। और ये मैं अपने किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए। आज मैं बेकन आलू बना रही हूँ और मैं भी प्याज ब्राउन कर रही हूँ। मैंने टमाटर भी काट लिए हैं और ये बेकन आलू भी मैंने काट लिए हैं। इसे पानी में डिप करके रख दिए काले ना हो, क्योंकि मसाला भुनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए फिर मैंने ये काम अपने कर लिए हैं। बाकी मैं अपने घर के काम कर चुकी हूँ सारे और अभी बस किचन में आई हूँ ये काम करने के लिए, क्योंकि अभी गैस आ रही है तो इसलिए। वैसे गैस ना भी आए तो अब तो खैर उस पर पका लेते हैं हम लोग। और कोई मसला नहीं होता, सिलेंडर पे ही पक जाता है खाना तो। बाकी अब क्या करें, ये मसले तो चलते रहेंगे। और आप लोग सुनाए सब कैसे हैं, क्या हो रहा है, क्या काम कर रहे हैं? और आप लोग तो कमेंट्स में कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं बताते आप लोग, ना तो मेरी वीडियोस के बारे में कि मेरी वीडियोस आप लोग को कैसी लग रही है। और मेरे सब्सक्राइबर भी अभी बहुत थोड़े हैं, आप लोग प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। और जिनके व्यूज़ आ रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और बस इतना ही कहूँगी। इस पे मैंने थोड़ा सा मेथी दाना भी डाला है, मेथी दाने से थोड़ा सा टेस्ट अच्छा होता है। और ये मैंने इमली का पल्प भी करके रख लिया था, अब इसमें डालूँगी थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा खटास अच्छी लगती है बेकन आलू में। और इसके साथ में राइस बनाऊँगी। और फिर चले कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगी। और बाकी मैं आप लोगों को जो रेसिपी अपनी दिखा देती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग के कमेंट्स में कोई रिव्यू नहीं देते कि आप लोग को कैसी लगी मेरी रेसिपी और मेरे खाने कैसे लगते हैं आप लोगों को। वैसे तो सबकी एक ही स्टाइल होते हैं, लेकिन अलग अलग स्टाइल से भी पकाते हैं लोग, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। चले ठीक है, जब तक कि मैं ये इसको कंप्लीट करती हूँ, जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको मैं इसको दिखाऊँगी। ठीक है, फाइनल लुक दिखाऊंगी आपको। देखिए माशाल्लाह से हमारा बेकन आलू तैयार हो चुका है। हरा धनिया की कमी है, हरा धनिया मेरे हस्बैंड की चीज़ अच्छी नहीं लगती है, तो मैंने अभी डाला भी नहीं और था भी नहीं। वैसे होता तो मैं डाल देती हूँ, लेकिन इनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। देखिए माशाल्लाह से और मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया है, चावल मैंने भिगो दिए हैं। अब ये जो है वे अभी नहीं, बाद में बनाऊंगी।
पे ऑर्डर किया है कि आप ये रोल बनाए और पट्टियाँ तो माशाल्लाह से बन गई है, ये देखो कितनी अच्छी बनी है। और अब मैं इनके रोल बनाऊँगी। मैंने उसका मसाला बना लिया है, उस पर मैंने बंद गोभी, शिमला मिर्च और चिकन डाली है और उसमें काली ब्लैक पेपर, नमक और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची डाली है बस। अब इसमें थोड़ी सी मेयोनीज मिक्स करूँगी, ठीक है, फिर रोल बनाओगे। ये मेरे रोल बन चुके हैं, देखिए माशाल्लाह से। ये देखिए, अब इनको फ्राई करूँगा तो पता चलेगा कैसे बने हैं, ठीक है। और ज़रा से मैदे में इतने सारे रोल बन गए, मैदा मेरे पास ख़त्म हो गया तो वरना मैं और भी कुछ बना लेती। और चले नेक्स्ट टाइम और भी बनाऊँगी कुछ, बाज़ वक़्त शाम की चाय के साथ कुछ खाने का दिल चाहता है तो ये लाने वाला कोई नहीं होता है, तो चले अपने घर में ही बना लिए और खा लेंगे, ठीक है। अब मैं इनको फ्रीज कर देती हूँ। और फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग, क्या हो रहा है। मैं तो भी चाय पीकर यहाँ बैठ गई हूँ, हमारा टी टाइम हो चुका है। और मैंने आज रोल भी बनाए थे, स्प्रिंग रोल, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है रेसिपी वो। और चिकन रोल बनाए थे, उसमें मैंने सब्जियाँ भी डाली है, यानी कि शिमला मिर्च, बंद गोभी और मुझे और चीज़ें भी, गाजर भी लेकर आई थी ये, लेकिन गाजर डालना भूल गई थी, गाजर मुझे नज़र नहीं आई थी इसलिए। और गाजर डाल देती भी थोड़ा अच्छा टेस्ट हो जाता है, वो तो मैं डाल नहीं सकी, वो तो मैंने ऐसी रूखी खाई है। और बाकी आप लोगों को अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और हमने जो बैंगन आलू बनाया था वो बहुत मज़ेदार बना था और चटपटा सा बना था माशाल्लाह से। बस अल्लाह ताला सबके रिज़्क में बरकत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और फ़लस्तीनी मुसलमानों की भी जो तकलीफ़ परेशानी में है, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। और वो जिस कर्ज से कि जिस उस मुश्किल से गुजर रहे हैं, अल्लाह उन पर रहम फरमाए, आमीन। आप लोग भी दुआ करिएगा, वैसे तो सब मुसलमान दुआ कर ही रहे, बाकी किसी न किसी की दुआ तो कबूल होएगी। और बाकी आज की वीडियो का एंड में यही करती हूँ और कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर नई वीडियो लेकर आऊँगी। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और मेरी वीडियोज़ को वॉच करते रहिएगा, ठीक है। और बाकी
आप लोग मेरे ड्रेस जो मैं पहनती हूँ उसके बारे में नहीं, मेरा रहन सहन जो है वो आपने नहीं बताया कि मुझे कमेंट्स में प्लीज़ कुछ तो लिख दिया करें ताकि मुझे थोड़ी सी खुशी हो कि मेरी फ्रेंड्स जो है मेरी वीडियोस को अच्छा सा देख रहे हैं, अच्छा सा वॉच कर रहे हैं और गलतियाँ भी देख रहे निकाल रहे हैं और अच्छाइयाँ भी निकाल रहे हैं। प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में कुछ ना कुछ तो लिख दिया करें तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग कुछ भी लिख देंगे तो। बाकी चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।